हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। प्रदेश में मंचरों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो किस तरीके से स्कूल आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं, जिससे वो इस कदर मजबूर हो गई हैं कि स्कूल जाना तक छोड़ने की बात कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनका क्या हुआ। तो रेवाड़ी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर स्कूल जाती लड़कियों के साथ किस तरीके से अभद्रता की जाती है, छींटाकशी की जाती है, और इन सभी चीजों से परेशान होकर, इन मंचलों से परेशान होकर स्कूल जाती छात्राओं ने यह बात कही है कि वो अब से स्कूल ही नहीं जाएंगी। और इसके बाद से लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर प्रदेश में महिला सुरक्षा के जो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है, वो इन तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं। महिलाओं पर अपराध जो हो रहे हैं, आखिर ये हालात कब बदलेंगे? और बेटी की यही गुहार है कि प्रशासन कब इन मंचलों पर कार्रवाई करेगा? कहां है प्रशासन? स्कूल छोड़ने पर ये बेटियां मजबूर क्यों हो गई हैं? क्यों खौफ के साए में परिजन जीने को मजबूर हैं? महिलाओं से जुड़े अपराधों पर आखिर लगाम कब लग पाएगी? और सवाल ये भी कि क्या आजादी से जीने का अधिकार लड़कियों का नहीं है? क्या वो इस तरीके से ही डर डर कर बाहर निकलेंगी? इन मंचलों की वजह से वो स्कूल नहीं जाएंगी, वो काम करने नहीं जाएंगी? पढ़ाई का अगर हक है तो सुरक्षा का क्यों नहीं है? क्योंकि असुरक्षित माहौल में पढ़ना भी सफल नहीं साबित हो पाएगा, स्कूल जाना भी संभव नहीं हो पाएगा। यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, आखिर उन दावों की हकीकत क्या है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से मंचले जो है वो लड़कियों को परेशान करते हैं, क्या वहां भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है? क्योंकि अगर पढ़ाई करने का हक है, शिक्षा का हक दिया है, तो सुरक्षा का हक भी मिलना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित माहौल में ही बेटियां पढ़ सकेंगी। छींटाकशी से परेशान राजावास गांव की छात्राएं जो स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गई हैं, छींटाकशी के चलते स्कूल छोड़ने की बात कर रही हैं, स्कूल छोड़ने को मजबूर हुई हैं। छात्राओं के परिजनों में भी खौफ का माहौल है, छात्राओं को स्कूल ना भेजने का फैसला लिया है क्योंकि रास्ते में आते वक्त जाते वक्त मंचले इन्हें परेशान करते हैं, छींटाकशी करते हैं, टिप्पणी करते हैं। मस्तापुर गांव के सरकारी स्कूल में छात्राएं पढ़ती हैं और अब परिजन जो कि खौफ के साए में है, उन्होंने फैसला लिया है कि इन छात्राओं को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। अपने बच्चों को स्कूल भेजने से परिजन डर रहे हैं क्योंकि असुरक्षा की भावना, असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। इस स्थिति में शिक्षा कैसे लेंगी ये छात्राएं, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, और जो कानून व्यवस्था है वो कहां गई? प्रदेश में महिला सुरक्षा की जो बड़े बड़े बातें की जाती थी, चुनाव के वक्त जो दावे किए जाते हैं कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि है, प्राथमिकता है, आखिर वो प्राथमिकता अब जमीनी स्तर पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन करिए, अपनी बात रखिए और साथ ही अपने क्षेत्र का हाल भी बताइए कि आखिर आपके क्षेत्र में स्थिति क्या है, क्या वहां भी स्कूल आने जाने वाली लड़कियों को, क्या काम पर आने जाने वाली लड़कियों को और महिलाओं को इसी तरीके से छेड़ा जाता है, क्या ऐसी तस्वीर वहां भी देखने को मिलती है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो हल्ला बोल में आज हम सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिर प्रदेश में जो स्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि रेवाड़ी की ये एक तस्वीर सामने आई, लेकिन ऐसी ही तस्वीर न जाने प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से सामने आती है जहां महिलाएं असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर हैं, महिलाएं असुरक्षा की भावना उनके अंदर आ गई है और यही वजह है कि जो परिजन है वो भी अपने बच्चों को, वो भी छात्राओं को स्कूल नहीं भेजने पर मजबूर हो गए हैं और कहा है कि अब से वो स्कूल नहीं जाएंगी, क्योंकि इस तरीके से असुरक्षित माहौल में पढ़ने से अच्छा, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसी घटना हो सकती है। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन बढ़ते अपराधों को रोकना तो सरकार का काम है, लेकिन जो आम जनता है वो अब घर से बाहर निकलने से रुक रहे हैं, अपने बच्चों को रोक रहे हैं क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं,
और हल्ला बोल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र का हाल बता सकते हैं कि क्या आपके क्षेत्र में भी मनचले इसी कदर उनका हौसला बढ़ा हुआ है, क्या पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्या प्रशासन ध्यान नहीं देता है और क्यों खौफ के साए में जीने को मजबूर है परिजन। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर आखिर लगाम कब लग पाएगी, यह बड़ा सवाल है। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। क्या आजादी से जीना लड़कियों का अधिकार नहीं है? क्या लड़कियां आजादी से नहीं जी सकती हैं? पढ़ाई का अगर हक दिया है तो सुरक्षा का हक क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं ये बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं और हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। कॉलर विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी अपनी बात रखें। चलिए, संपर्क नहीं हमारा हो पाया विजय कुमार जी से और कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं और अपने क्षेत्र का हाल बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, आपके क्षेत्र में क्या हाल है, क्या वहां भी महिलाएं बेटियां असुरक्षित हैं, असुरक्षा की भावना उनके अंदर आ गई है। कॉलर विजय कुमार जुड़े हमारे साथ। विजय जी अपनी बात रखें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखो जी, अगर अगर यही माहौल चलता रहा तो हमारी कल्पना चावला जैसी बेटियां कहाँ से निकलेंगी, और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए आके भी कुछ गांव के लोग, अगर कुछ प्रशासन की तरफ से 5-7 गाँव के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए आके उन जो मंचले है उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए भाई एक ऐसी टीम खत्म किया जाए, आके उनको पकड़ो और 2-4 दिन उसको अंदर रखो और उसके बाद में भाई जो व्यवस्था हो उसके हिसाब किताब से उसको छोड़ो। और ये हमारी जो बेटियां हैं इनको पूरा मान सम्मान और इज्जत के साथ जीने का इनका भी हक है। और जब हमारी बेटियां उनके साथ में कोई बात होती है तो माँ बाप ये सोचता है आके बेटी को घर में ही रखो, लेकिन घर में रखने से बात नहीं बनेगी। घर में अगर रखेंगे तो हमारी बेटियां कल्पना चावला और सुनीता विलियम जैसी काम आएगी। धन्यवाद जी। जी बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, आपने अपनी बात रखी, राय रखी कि इन मंचलों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी बाकी लोग भी इसे सबक सीखेंगे और ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सुरक्षा है उसमें खुद सभी लोगों का हाथ है। प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझेगा तो स्थिति ऐसी पैदा होगी ही नहीं, और अगर इसके बावजूद भी कोई नहीं समझ पा रहा अपनी जिम्मेदारी को और जो कुछ युवा हैं, कुछ मंचल हैं, वो ऐसी स्थिति पैदा कर दे रहे हैं, तो ऐसे में सवाल हम ये उठा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इस तरफ कोई भी ध्यान देता है। कॉलर राम सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम सचदेवा जी अपनी बात रखे सर। जी अपनी बात रखे सर। यही हमारे लेडीज, यही हमारे बच्चे ही हैं जिनके लिए हम जी रहे हैं, जिनके जो हमारा पूरा घर का काम भी कर देती है वो भी करती है। आज देखो यही लड़कियां हमारे जहाजों तक चला रही हैं, तो बताओ ये क्यों इनको वो उसको हो रहा है। महिलाएं ही आज आज एक दिन भी अगर महिला ना हो, एक दिन भी अगर हो तो घर के ना सत्ता ना, घर का बिल्कुल कबाड़ा हो जाता है, घर का बिल्कुल वो था। और इन्हीं के सहारे ही, इन बच्चों के सहारे, इन लड़कियों के सहारे ही आज हम जी रहे हैं। ये लड़कियां ही ऐसी हैं कि जो हमारी बात को भी सुनती है बात, लड़के तो परवाह करें ना करें, ये लड़कियां ही हमारे, मैं को मेरे भी दो लड़कियां, दोनों टीचर लगी हैं, दोनों वो लगी हुई हैं। हर टाइम अगर आनंद माला मकान में रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मैं बताया था ना मेरे लड़के की तो डेथ हो गई है, जैसा भी है हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन ये आज लड़कियां ही हैं जो से मेरा आज हर चीज में अकेला रहता हूँ, सब कुछ है आज लड़कियां ही मेरे मतलब हर चीज में, कोई भी चीज, कोई भी वो बात हो, कुछ भी वो हो है, मतलब मतलब शाम को या मेरे ज्वाइन मतलब आते हैं जाते हैं उठते हैं बैठते, उन्हीं के सहारे मैं यहाँ खुश हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आपने अपनी राय रखी, क्योंकि बेटियों के सहारे ही लगातार हम देखते हैं बेटियां कितना नाम रोशन कर रही हैं, प्रदेश में महिलाएं कितना नाम रोशन कर रही हैं, देश की महिलाएं कितना नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन अगर इन महिलाओं की सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही तो बहुत बड़ी नाकामी भी इसे माना जाएगा। और देखिये, ये जो तस्वीर सामने आई है रेवाड़ी से, वो ये बयां करती है कि प्रदेश में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जो परिजन है, जो अभिभावक है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरते हैं, और यही वजह है कि अब उनका स्कूल जाना तक बंद करवा दिया, क्योंकि रास्ते में मनचले उन्हें परेशान करते हैं, छींटाकशी करते
करते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों के मन में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो ही जाती है कि सुरक्षा पहले जरूरी है, उसके बाद शिक्षा, क्योंकि सुरक्षित माहौल में ही शिक्षा भी ली जा सकती है। और कहीं ना कहीं यहां पर सवाल जो है वो प्रशासन पर, सरकार पर भी खड़े होते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं कार्रवाई करती है। जो मंचले ऐसे लड़कियों को परेशान करते हैं, उन मंचलों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है जो कानून व्यवस्था को लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महिला सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए आप अपनी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या हाल है, क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे ही मंचले हैं, क्या वो भी लड़कियों को परेशान करते हैं, क्या आपके क्षेत्र में भी बेटियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं, क्या आप भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। ये तमाम परेशानी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी आपकी परेशानी को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि उसका समाधान निकल सके। क्या आजादी से जीना लड़कियों का अधिकार नहीं है, और अगर पढ़ाई का हक दिया गया है, शिक्षा का हक दिया गया है, तो इन बेटियों को सुरक्षा का हक क्यों नहीं दिया गया है, ये बड़ा सवाल है। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर आखिरकार लगाम कब लग पाएगा, क्या आजादी से जीना इन महिलाओं का, इन लड़कियों का, इन बेटियों का अधिकार नहीं है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं और इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए अपनी बात को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं उन मंचलों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे जाने से रोकते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे पुलिस प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो प्रदेश के विकास की राह में रोड़ा अटका रहे हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। रेवाड़ी से पूरी तस्वीर सामने आई है, जहां छीटाकशी से परेशान राजावास गांव की छात्राएं हैं। छीटाकशी के चलते बेटियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। छात्राओं के परिजनों में खौफ का माहौल है। छात्राओं को स्कूल ना भेजने के लिए यह फैसला लिया उन्होंने कि अब छात्राओं को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि तस्वीर वहां कुछ और ही मिलती है। बच्चियां जाती तो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मस्तापुर गांव के सरकारी स्कूल में छात्राएं पढ़ती हैं और वहां पर जब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल से वापस लौटती हैं, तो कुछ मंचले, कुछ लड़के उन्हें परेशान करते हैं और ऐसा रोजाना ही होता है। इसीलिए इन हरकतों से परेशान होकर, इस परेशानी से परेशान होकर, इन मंचलों से परेशान होकर इन लड़कियों ने स्कूल नहीं जाने का फैसला किया है और इनके परिजनों ने यह फैसला लिया है कि वो अब अपनी छात्राओं को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि रास्ते में उनके साथ इस तरह की हरकत की जाती है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए प्रदेश में, लेकिन वो तस्वीर कुछ उलट दिखती है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी राय इस खास कार्यक्रम के माध्यम से रख सकते हैं कि आखिर आपके क्षेत्र का हाल क्या है, क्या वहां भी इसी तरह से बेटियों पर रस्साकसी की जाती है, क्या वहां पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, क्या आजादी से जीना लड़कियों का अधिकार नहीं है, और अगर उन्हें शिक्षा का हक दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो सुरक्षा का क्यों नहीं है, और वो भी तब जब प्रदेश में सरकार ये दावा करती आई है कि महिला सुरक्षा को सबसे पहले तवज्जो दिया जाएगा, महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहले काम किया जाएगा और प्राथमिकता सरकार के सभी कामों में सबसे पहले महिला सुरक्षा है, बेटियों की सुरक्षा है, प्रदेश को शिक्षा के स्तर पर आगे लेकर जाना है, लेकिन इन तस्वीरों के साथ कभी भी प्रदेश न शिक्षा के स्तर में आगे हो पाएगा और ना ही विकास के स्तर में आगे हो पाएगा, क्योंकि विकास तभी होगा जब प्रदेश शिक्षित होगा और देश शिक्षित तभी हो पाएगा जब बेटियां सही तरीके से पढ़ पाएंगी, स्कूल जा पाएंगे, लेकिन ऐसे असुरक्षित माहौल में बेटियां पढ़ने को मजबूर अगर हो रही हैं, स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रही हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश के विकास की तरफ कब लेके जाया जाएगा। कॉलर गुरु मेज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात रखे सर। जी बिल्कुल, कोई इन्हों का दबदबा नहीं सरकार का, ना खट्टर का, ना छोड़ जे दुशरन का। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਲੋਨ ਦਾ ਬਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਾਬਾ ਮਾਰਦੇ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਲ ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦਾ, ਲੈਣ ਨੀ ਕੋ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀਹ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਗਾ, ਨਾ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ।
बहुत शुक्रिया गुरुमेज जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जो अनिल विज लगातार अधिकारियों के यहाँ जाके छापे मारते हैं, एक दो बार छापेमारी यहाँ भी होनी चाहिए और कार्रवाई उन मंचलों पर होनी चाहिए जो परेशान करते हैं स्कूल जाने वाली छात्राओं को। और यहाँ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि प्रदेश में महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो बार बार सवाल खड़े होंगे ही। तो बेटियों की गुहार की प्रशासन कहाँ है और कब उनके लिए सुरक्षा दी जाएगी, कब वो सुरक्षित माहौल में घर से बाहर निकल पाएंगी, कब उनके मन में यह डर नहीं रहेगा कि अगर वो स्कूल जाती हैं तो उन्हें परेशान किया जाएगा। इस डर को बाहर निकालना होगा और उसके लिए प्रशासन को ध्यान देना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे वापस। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, बात हम कर रहे हैं हल्ला बोल में कि आखिर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित कब होंगी, महिलाएं सुरक्षित कब होंगी, और जो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं महिला सुरक्षा के, आखिर वो जमीनी स्तर पर क्यों दिखाई नहीं देते। क्योंकि रेवाड़ी से जो मामला सामने आया है, ये मामला इस बात की तस्दीक करता है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और खौफ का माहौल इतना ज्यादा है कि वो स्कूल तक नहीं जा पा रही हैं। परिजन अपने बेटियों को, अपने बच्चों को स्कूल तक जाने से इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि रास्ते में मनचले उन्हें परेशान करते हैं, रास्ते में कुछ लड़के उन पर छींटाकशी करते हैं। और यही वजह है कि प्रदेश में बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर महिला सुरक्षा का क्या हुआ। पानीपत से कॉलर सुमित जुड़े हमारे साथ। सुमित जी अपनी बात रखें। हाँ जी मैडम, मैं आपके जरिए, चैनल के जरिए हरियाणा वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जो हमारा ये सिस्टम है ना, ये बिना लिखित के नहीं चलता है। ये हम मुंह जवानी बोल देंगे, किसी को कोई कुछ नहीं करेगा। ये लिखित में देना चाहिए डीसी को या एसपी को या गृह मंत्री को, ये तब चलेंगे, तब मिलेंगे। अभी आप, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ, मैं इसी टॉपिक पे लेके जाऊंगा। जैसे ये सीआईडी का मामला चल रहा था तो सीआईडी गृह मंत्री को वो रिपोर्ट ही नहीं कर रही थी, कल रात से उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू किया है। 3 महीने हो गए, अगर इन 3 महीनों में कुछ हो जाता तो ये हमारे नेताओं की जिंदगी है, ऐसे काम करते हैं ये कि भी 3 महीने तक इन्होंने गृह मंत्री को रिपोर्ट ही नहीं दी भी क्या हो रहा है इंटेलिजेंस की, या ऐसे काम होता क्या? इनको कोई कहने वाला है ही नहीं, सुनने वाला कोई है ही नहीं। जो हमारे राज्यपाल जी हैं वो भी कुछ नहीं कहते, इनको जो हो रहा है चल रहा है सिस्टम जी। हमारे जो राज्यपाल जी को संज्ञान लेना चाहिए भाई, आज कल क्या हुआ है पूरे प्रदेश में, किस जिले में क्या हुआ है, उनको अखबारों के माध्यम से सरकार को सवाल पूछने चाहिए, उनको उनको आदेश देने चाहिए। बिल्कुल सुमित जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी कि अपडेट जो है वो लेते रहना चाहिए कि प्रदेश में क्या चल रहा है, कहाँ क्या स्थिति है, सुरक्षा का क्या हुआ, कानून व्यवस्था का क्या हुआ, प्रशासन कितना काम कर रहा है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हर अधिकारी, हर कर्मचारी, प्रशासन कितना निभा रहा है, उसके बाद ये स्थिति जो है वो सुधर पाएगी। कॉलर मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी राय रखे सर। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया लेकिन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स पे आप हमें फोन कर सकते हैं। और हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप भी हल्ला बोल सकते हैं, आपके क्षेत्र का हाल क्या है ये आप हमें बता सकते हैं। प्रदेश में महिला सुरक्षा के वादे जो खोखले साबित होते दिख रहे हैं वो आपके क्षेत्र में कैसे हैं? मोहन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन लाल जी अपनी बात रखें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक तरफ तो मोदी जी नाराज देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आज बेटियां पढ़ेंगी नहीं वो स्कूल से जाएंगे तो वो आगे क्या? दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप तो गृह मंत्री अनिल विज जी जो रोज कहते हैं हम सुरक्षा करेंगे लेडीज सब, तो अब तो सरकार बदल दिया, वो गब्बर जी है, वो पूरे देश के मालिक है, पूरे देश के वो है। अब उनका फर्ज है, मतलब ये वो दो चार को अगर फांसी नहीं देते तो दो चार को वो तो सख्त कानून तो बनाते हैं लेकिन उसका सख्त से फांसी वो नहीं करते। जब आज मतलब देश बेटी बचाओ बेटी वो है, आज देश है तो बेटी सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। हर चीज की कोई वो होनी चाहिए, हमारे हर चीज की मतलब को वो होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल मतलब जो ये जो कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको भी तो बेटी होती होगी, उनका भी तो परिवार होता होगा, हर चीज को वो भी तो उनकी बेटियां ही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हर चीज की वो होती है, स्कूल मतलब
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, लेकिन अब देखना होगा, प्रशासन को भी ध्यान देना होगा और सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा इस मसले को लेकर कि अगर प्रदेश में ये स्थिति पैदा हो रही है कि मंचलों के डर से बेटियां स्कूल जाना छोड़ रही हैं, तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कितने काम कर रहे हैं। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज, नमस्कार।